दोस्तों कुसुम जिसे वाइल्ड सेफ्रॉन कहते हैं में पाए जाने वाले अद्भुत पोषक तत्वों रासायनिक तत्वों के कारण यह पौधा बहुत ही गुणकारी माना गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुसुम के पत्तों फूल तेल आदि के अद्भुत फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुसुम बीज व बीजों के तेल के फायदों की बात करें तो यह तेल रेचक यानी दस्तावर मतलब खुलकर पेट साफ करने वाला, कफ बलगम का नाश करने वाला, गले कंठ के रोगों को दूर करके गले को साफ शुद्ध स्वच्छ बनाने की क्षमता रखने वाले होते हैं। यही नहीं, यह तेल स्त्रियों का महीना खुलकर लाने तथा प्राण वह स्रोत को साफ स्वच्छ बनाने वाला, यानी कफ बलगम के जो परेशानी है श्वास की नली फेफड़ों से हटाने वाले गुणों से भरपूर माना गया है, क्योंकि यह उष्ण यानी गर्म तासीर वाला वात कफ को नाश करने वाला होता है। इसका तेल शरीर की सूजन दर्द पीड़ा को भी दूर करता है, लेकिन दोस्तों अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से हानि की संभावना होती है। दोस्तों अगर पथरी रोग की परेशानी है तो कुसुम के फूलों को पीसकर पानी में डालकर पिलाने से पथरी गल जाती है और पथरी रोग में भी लाभ मिलता है। दोस्तों अगर भूख की कमी है तो कुसुम के पत्तों का साग या रस प्रयोग करने से भी भूख बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों अगर गले में खराश, गले बैठने की परेशानी है तो कुसुम बीज चूर्ण को शहद के साथ चाटने से लाभ मिलता है। अगर दोस्तों उन्माद यानी पागलपन की परेशानी है तो कुसुम बीजों को दूध के साथ पीसकर उसमें शंखपुष्पी का शरबत मिलाकर पिलाने से दिमागी शक्ति बढ़ जाती है, दिल की घबराहट दूर होती है और उन्माद पागलपन आदि रोग में बहुत लाभ मिलता है। अगर दोस्तों पुराने जख्म घाव भर नहीं रहे हैं तो उसमें कुसुम का तेल लगाने से, पट्टी बांधने से जख्म साफ शुद्ध होकर तेजी से भरने लगते हैं और रोगी को बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर बवासीर की परेशानी है तो कुसुम के फूलों का चूर्ण दही के साथ खिलाने से बवासीर की परेशानी में बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार कुसुम के फूल बीज तेल खूब लाभकारी हैं, रोगनाशक हैं। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।